हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जीनियस आई एस स्वागत है आपका बायोलॉजी में आज हम हाजिर है तो हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको अगर ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरे डिटेल में देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करना और हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी तो चलिए अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एन एंटीजन कहाँ होता है एंटीजन ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो भी पार्टिकल बाहर से आते हैं तो उनको उनके अकॉर्डिंग बॉडी को अडॉप्ट करने के लिए क्या करता है इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है कि अब आपको अपना फंक्शन करना है ठीक है तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा ठीक है तो क्या होगा एन एंटीजन सबस्ट विच ऑफ एंटीबॉडी क्या करता है हमेशा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा जिसके वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा यानी बाहर से आने वाले सब्सटेंस को मतलब उन्हें किल करना है या डिस्ट्रॉय करना है या उसको इनएक्टिव करना है वो उसका फंक्शन है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है एंटीजन से वही क्वेश्चन है बॉडी बॉडी नहीं को मेंटेन करना किसका काम है हमारे का हाइपोथ हार्मफुल बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया को कौन डिस्ट्रॉय करेगा यानी बॉडी के अंदर आने वाले जितने भी पैथोजन है पैथोजें क्या होते हैं डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स

कौन करता है आयरन जो है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है इट इंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज यस ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन इन्फेक्शन से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है हमारी डब्ल्यू बी सी व्हाइट ब्लड कोर्पसल व्हाइट ब्लड तो अलग अलग टाइप की डब्ल्यू बी सी होती है यह होती है टू टाइप्स की एक होती है ग्रेन्यूलोसाइड और एक होती है यानी जिनके अपर सरफेस पे कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दानेदार तो उन्हें बोलते हैं ग्रेन्यूलो और जिसपे नहीं होते वो एग्रेन्यूलो तो एग्रेन्यूलो फर्दर होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइड्स देन ग्रेन्यूलो में होते हैं आपकी बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स और एसिडोफिल्स ठीक है तो डब्ल्यू का दूसरा नाम क्या है इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं मतलब कोई कलर नहीं होता इसलिए बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स मतलब कलरलेस है और आरबीसी को हम बोलते हैं अरिथ्रो अरिथ्रो का मतलब होता है रेड डाई तो अरिथ्रो क्या हो जाएगी हमारी रेड ब्लड सेल्स ठीक है देन प्लाज्मा ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्लस सेल्स और हीमोग्लोबिन क्या है एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो आरबीसी को कलर प्रोवाइड करता है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्या है मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है अभी हमने पढ़ा था इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करा मतलब डिजीज से हमें प्रिवेंट करता है सो टू डेवलप रेजिस्टेंस टूवर्ड्स डिजीज ठीक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किसका काम है आरबीसी का ठीक है यानी ब्लड के अंदर जो आरबीसी है वो आरबीसी क्या करती है जो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन का पूरे बॉडी पार्ट्स को तो 97 परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का किसके थ्रू आरबीसी के थ्रू और 3 परसेंट होता है प्लाज्मा में मिक्स होकर देन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ सीओटू मतलब जो टिश्यूज के अंदर जो भी हमने खाना वगैरह खाया है या कोई भी प्रोसेस हुई है उसमें जो सीओ टू प्रोड्यूस है वो बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन हेल्प करता है यानी लंग्स तक कौन पहुंचाता है वो मिक्स होकर हो आते है, किस में प्लाज्मा प्लस प्लाज्मा से होते ये किस फॉर्म में बाई कार्बोनेट के फॉर्म में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है आपका बाई कार्बोनेट मतलब एच सीओ थ्री नेगेटिव की फॉर्म में ठीक है कितना ये होती है ऑलमोस्ट सेवेंटी थ्री परसेंट और देख ट्वेंटी ब्लड प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करता कौन है ये करेंगे हमारे लिम्फोसाइट ठीक है लिंफोसाइट्स कौन सी लिम्फोसाइट जो है एक टाइप की डब्लू बी सी है कौन सी स्मॉलेस्ट डब्ल्यू बी सी स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी और मोनोसाइट हमारी क्या है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी और इओसिनोफिल्स का दूसरा नाम क्या है एसिडोफिल्स क्योंकि इसके अंदर एसिडिक डाई यूज करते हैं हम इओसिन कलर ठीक है न्यूट्रोफिल्स एंड एक और रहेगी आपकी वो होती है बेसोफिल्स तो ये फाइव टाइप्स के क्या हैं डब्ल्यूबीसी बेसोफिल्स तो ये दोनों क्या थी एक ग्रेन्यूलो और ये तीन क्या है आपकी ग्रेन्यूलोसाइट क्लियर तो सबसे बड़ी कौन सी है मोनोसाइट और सबसे छोटी कौन सी है तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा मतलब अगर देखा जाए कि माइक्रोमीटर में इनका क्या डायमीटर या लेंथ क्या है तो जो मोनोसाइट्स है वो होती है आपकी 15 टू 30 माइक्रोमीटर की ठीक है लिम्फोसाइट्स होती है आपकी 7 माइक्रोमीटर की देन इोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये होती हैं दोनों आपकी किसमें टेन टू ट्वेल्व माइक्रोमीटर और बेसोफिल्स होती है आपकी ट्वेल्व टू फिफ्टीन क्लियर ठीक है तो स्मॉलेस्ट डब्ल्यू बी सी कौन से आपके लिम्फोसाइड्स चलिए इम्यूनिटी और डिफेंस इज मोस्टली रिलेटेड विद अभी पढ़ा था हमने इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है लिंफोसाइड्स क्या करते हैं ये ग्लोबुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं ठीक है थीके? और ये दो टाइप के हैं एक है बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट अब ये क्या है इन्हें डिटेल, डिटेल में जाने आपको आवश्यकता नहीं है अभी तो हमने पढ़ लिया लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट डब्ल्यू बीसी है मोनोसाइट लार्जेस्ट डब्ल्यू बीसी है आरबीसी अरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है आपके प्लेटलेट्स क्लियर अगर इनसे रिलेटेड इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्या पूछ सकते हैं डब्ल्यू में क्या होगा अगर डब्ल्यू का लेवल इंक्रीज हो जाए नॉर्मली क्या होता है आरबीसी और डब्ल्यू का जो रेशियो होता है अप्रोक्स 600 हंड्रेड इंसू वन का रेशियो होता है ठीक है तो डब्ल्यू का लेवल इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाता है हमें ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं ठीक है आरबीसी कब इन्फेक्टेड होती है आपकी मलेरिया के टाइम पे ठीक है डब्ल्यू जो एड्स वायरस है एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस करता है डब्ल्यू को अफेक्ट करता है देन डेंगू के टाइम पे कौन सी सेल अफेक्ट होते हैं हमारी प्लेटलेट्स ठीक है तो ये तीन जो है मोस्ट कॉमन है जो पूछ लिए जाते हैं चलिए

ब्लड के अंदर तो तीनों क्या है रेशियो बनाती है ब्लड के अंदर जो रेशियो होता है किसका प्लाज्मा प्लस सेल्स का वो क्या है वो होगा आपका ये प्लाज्मा होगा फिफ्टी फाइव परसेंट और ये होता है आपका फोर्टी फाइव परसेंट क्लियर चलिए डायमीटर ऑफ व्हाइट ब्लड कोरपसल्स इन ह्यूमन बॉडी अभी हमने क्या था कितना होता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो सबसे छोटी कितनी है आपकी सेवन माइक्रोमीटर कौन है लिम्फोसाइट्स जो हमें क्या करती हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं ठीक है <coughs> तो सेवन माइक्रोमीटर को आप मिलीलीटर में लिखोगे मिलीमीटर में तो कितना हो जाएगा पॉइंट जीरो जीरो सेवन मिलीमीटर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है पैथोलॉजी एक्सेस ऑफ व्हाइट कॉर्पसल्स इन ब्लड इज कोल्ड पैथोलॉजी क्या होती है स्टडी ऑफ डिजीज स्टडी ऑफ डिजीजेस मतलब डिजीज कैसे हुए कौन रिस्पॉन्सिबल है ठीक है तो पैथोजन की स्टडी को डिजीज एंड डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स आप कह सकते हो तो जब व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होंगे एक्सेस में हो जाएंगे तो हमें क्या होता है ल्यूकेमिया एनोक्सिया क्या होता है मतलब एबसेंस ऑफ ओटू एब ऑफ ओटू मतलब क्या है यानी जो हमारे ब्लड सेल्स हैं या ब्लड के टिश्यू हैं या बॉडी के अंदर टिश्यूज हैं उनके अंदर जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होगा एनोक्सिया और बहुत ही सीवियर केस हो जाए तो हम बोलेंगे उसे अगर एनोक्सिया सीवियर हो जाए तो बोलेंगे हाइपोक्सिया ठीक है एनीमिया में क्या होगा इसमें भी क्या होगा रिड्यूस्ड ऑक्सीजन टू ब्लड ठीक है ब्लड टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लेकिन कब जब आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो जाए आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो जाए सेप्टीसेमिया क्या होता है यानी ब्लड के अंदर क्या है बहुत टाइप के केमिकल पाए गए हैं तो क्या होगा टॉक्सिक केमिकल्स इन ब्लड विच जेस इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट बॉडी अब वो चाहे किसी बैक्टीरिया की वजह से हो या आपने कोई पोइजन लिया हो तो यानी पोइजन हो या कोई टॉक्सिक केमिकल हो जब ब्लड में पाया जाता है ठीक है उसकी वजह से पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई कर रहा है हर एक जगह क्या बोलेंगे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ब्लड के अंदर ठीक है वो टॉक्सिक केमिकल कोई बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करता है कोई वायरस भी प्रोड्यूस कर सकता है ठीक है या फिर हमने डायरेक्ट ही उस केमिकल को इंगल्फ किया है क्लियर है तो उसे हम क्या बोलेंगे सेप्टीसेमिया तो नॉर्मली हम क्या बोलेंगे इसे ब्लड पॉइजनिंग शॉर्ट टर्म में क्या बोलेंगे ब्लड पॉइजनिंग नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ आर बॉडी आर फॉर्मड आरबीसी आरबीसी कहा फॉर्म होती है आरबीसी फॉर्म होती है हमारी बोन मैरो में ठीक है लेकिन जो इनफेंट होता है उसके अंदर कहाँ आरबीसी की फॉर्मेशन होती है लीवर के अंदर क्लियर फॉर्मेशन ऑफ डब्लू बी सी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी मतलब डब्ल्यू बी सी वहां पर फॉर्म हो रहा है और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन मतलब जो ग्रेवयार्ड है आरबीसी का जब आरबीसी डेड हो जाती है एटी टू वन ट्वेंटी डेज के बाद क्या होता है लाइफ स्पेन होता है इसका एटी टू वन ट्वेंटी डेज ठीक है तो उसके बाद कहा जाएगी आरबीसी कहा जाती, जाती है और डेड आरबीसी स्टोर होती किसके अंदर स्प्लीन के अंदर और वहां पे क्या होता है डब्ल्यू बी सी की फॉर्मेशन होती है मतलब जो इन डेड आरबीसी को खाएगा तो ऐसे दो टाइप की डब्ल्यू बीसी होते हैं जो क्या करती हैं फेगोसिटिक नेचर के होते हैं मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स कैसी है ये फेगोसिटिक नेचर की नेचर मतलब यानी कोई फूड पार्टिकल को खाना ठीक है पीनोसाइट्स होता है ड्रिंक करना पीना तो वो सेल जो कुछ खा रही है तो क्या हो जाएगी फेगोसाइट। तो किसको खाएगी जितनी भी डेड आरबीसी हैं, उनको इंगल्फ कर लेती है ठीक है तो कहा हुआ ये सब स्प्लेन के अंदर लिम्फ ग्लैंड पेनक्रियाज और लीवर ये तीनों ही क्या है हमारी ग्लैंड है तो ग्लैंड क्या है और इनसे रिलेटेड हार्मोन्स वो सब पढ़ेंगे हम आने वाली क्लासेस में ठीक है वैसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है लीवर ठीक है और पेनक्रियाज कैसी है मिक्स्ड ग्लैंड अब ये मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है यानी जो एक्सो प्लस एंडो दोनों का काम करें एक्सो यानी जो हार्मोन और एंजाइम्स दोनों रिलीज करती है वो होते हैं हमारी मिक्स ग्लैंड चलिए द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेसड है जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं यानी बॉडी के अंदर मेजर करेंगे वही माइक्रोलीटर में या मिलीग्राम में कैसे तो वो हम करते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर की पर डे लीटर में कितने मिलीग्राम ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट है तो इसके लिए हमने एक फ्लो चार्ट लिया है कि जब आप फास्ट करते हैं तो फास्टिंग के दौरान जो आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल है कितना है और खाने से पहले जो होगा वो होगा आपका नाइनटी टू हंड्रेड ये नॉर्मल लेवल है अगर एक घंटे बाद हम चेक करें तो कितना होना चाहिए लेस देन वन थर्टी मतलब ये होना चाहिए आपका वन जीरो नॉर्मल है ये आपका ठीक है टू आवर आफ्टर मील कितना होना चाहिए लेस देन वन ट्वेंटी मतलब कितना वन नाइनटीन से कम कम ठीक तो ये है अगर इसके अलावा ज्यादा है आपका मतलब मोर देन टू हंड्रेड या फिर टू ट्वेंटी फाइव ऐसे हो जाए तो वो क्या है अगर वन फोर्टी से टू हंड्रेड चला जाता है वन फोर्टी से टू हंड्रेड तो वो है प्री डायबिटिक प्री डायबिटिक प्री डायबिटिक कंडीशन और अगर मोर देन टू हंड्रेड हो जाए तो फिर डायबिटीज होना शुरू हो जाता है ठीक है ये सिम्टम्स है प्री डायबिटीज क्लियर कोई डाउट चलिए आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट आर कोल्ड कौन सी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करेंगी वो है आपकी कोरोनरी आर्टरीज पल्मोनरी किसको सप्लाई करती है लंग्स को ठीक है हेपेटिक करती है आपकी लीवर को और कारोटेड करती है आपकी ब्रेन नेक ठीक है और मतलब स्कल से रिलेटेड जो पार्ट है उन सबको कौन सप्लाई करेगी कारोटेड आर्टरी क्लियर है कोई डाउट चलिए पिलमोनरी आर्टरी में क्या है एक्सेप्शन है बाकी सारी आर्टरीज़ क्या करके लेके जाती हैं सारी की सारी आर्टरीज लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो पिलमोनरी मतलब जो लंग्स के है उसके केस में उल्टा है वेन लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी कैसा लेके जाएगी ब्लड ठीक है तो पिलमोनरी यानी लंग्स के केस में क्या होगा उल्टा है चलिए नेक्स्ट है एंजाइम विच टेक्स पार्ट इन चेंजिंग फाइब्रिनोजन टू फाइब्रेन विच ब्लड when blood clot blood clotting कैसे होती है यानी प्लेटलेट्स के हेल्प से तो क्या होता है जब इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है थ्रोम्बोसाइट्स किस वजह से पड़ा क्योंकि वो इंजरी के टाइम पे एक हार्मोन रिलीज करती हैं थ्रोम्बोकाइनेज ठीक है ये थ्रोम्बोकाइनेज अगर हम इसे शॉर्ट में टी के लिखे, क्या करता है प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं कौन से प्रोथ्रोम्बिन एंड तो क्या करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट करेगा किसके अंदर थ्रोम्बिन में ठीक है? मतलब ये था फॉर्म, तो उसने इसे एक्टिव बना दिया और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये फर्दर क्या करेगा ये प्रोफाइब्रीनोजन को कन्वर्ट करेगा किस में फाइब्रीन में ठीक है ये पहले इनएक्टिव था और ये फिर एक्टिव हो क्लियर क्विड आउट तो यानी ये काम स्टार्ट कहा से हुआ थ्रोम्बोकाइनेट से तो इसीलिए प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स यानी वो सेल जो थ्रोम्बोकाइनेट रिलीज करती है तो क्या होगा कौन कर रहा है थ्रोम्बिन क्लियर पेप्सिन पेप्सिन किस में बनता है पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव हार्मोन है उसको एचसीएल कन्वर्ट करता है किस में पेप्सिन में किसके अंदर स्टमक के अंदर ठीक है माल्टेज डेक्सरे ये सारे क्या है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन uh, के अंदर क्या करते हैं शुगर को यानी माल्टोज को कन्वर्ट करेगा किसमें में ग्लूकोज के दो मोलिक्यूल में और प्रोथोम्बिन हमें पता है प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट विद विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड तो थ्रोम्बिन किस में हेल्प करता है हमारा ब्लड कोगुलेशन में तो अभी हमने पढ़ा था ब्लड क्लोटिंग आपका आंसर ठीक है एक्सक्रिएशन के दौरान यानी किडनी के अंदर एक हार्मोन काम करता है एडीएच जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक एंटी डायूरेटिक या इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन तो ये क्या करेगा ये जो है जनरली ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर क्या होगा वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा ठीक है सोल्ट बैलेंस को मेंटेन करेगा अगर एडीएच कम है उसका लेवल कम हो जाता है तो हमें एक डायबिटीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, जिसे हम बोलते हैं टाइप वन डायबिटीज ठीक है और दूसरी टाइप टू किससे रिलेटेड है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस या मेलेटस बोल लेते हैं कुछ पीपल तो इसको बोलते हैं हम टाइप टू वो किससे रिलेटेड है वो है आपके इंसुलिन से रिलेटेड ठीक है क्लियर चलिए परसेंटेज ऑफ वॉटर इन प्लाज्मा प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना है 55 परसेंट इस 55 में से 89 से 92 परसेंट क्या होता है वाटर, ठीक है और उसके बाद 8 टू 11 परसेंट क्या होते हैं आपके प्रोटीन या सोल्ट तो कितना हो गया अगर आप एवरेज निकालोगे तो ये होगा आपका 90 परसेंट प्लाज्मा वाटर इन प्लाज्मा नेक्स्ट है बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम कहा ढूंढते हैं मतलब जहां पे पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होता हो जाता है ठीक है तो वहां पे हमें किसके रिक्वायरमेंट हम फिर देखते हैं कि जो वहां पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो सर्वाइव कर पाए सो इट्स अ पोल्यूशन इंडिकेटर सो मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड नो कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम किसको मेजर करेगा पोल्यूशन ऐसे का मतलब होता है मीडियम ठीक है नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू ब्लड इन अ नॉर्मल पर्सन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट जो नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर कौन सी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है कंपेयर्ड टू आर्टरीज वेन्स आर लेस नंबर लेस न्यूमरस एंड होल्ड लेस ऑफ बॉडीज ब्लड एट एनी गिवन टाइम तो ऐसा कुछ नहीं है वेन्स और आर्टरीज दोनों साइड बाई साइड काम करती हैं तो दोनों का सेम फंक्शन है एक क्या कर रही है एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है एक डीऑक्सीजनेटेड तो दोनों क्या होने इक्वल नंबर भी ब्लड सेल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड ब्लड सेल्स कितनी परसेंट है 45% डब्ल्यूबीसी आर मेड बाय लिम्फ नोड्स ओनली नो हम किस में हमने किस में पढ़ा था स्प्लीन में और बोन मैरो में ठीक है वहां भी फॉर्मेशन होता है लीवर में भी हो सकती है, Then blood more platelets than WBC. ये बात है. क्या है प्लेटलेट्स काउंट ज्यादा होता है अगर हम सभी का काउंट देखें आरबीसी काउंट कितना है 4.5 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ठीक है डब्ल्यू बी सी काउंट देखें तो कितना होगा ये है आपका 4500 से 11000 पर माइक्रोलीटर ठीक है और अगर प्लेटलेट्स का काउंट देखें वन पॉइंट फाइव से फोर पॉइंट फाइव मिलियन पर माइक्रोलीटर ठीक है अब देखो इनमें अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा अगर आरबीसी का काउंट क्या होगा लो हो तो क्या हो जाता है एनीमिया का काउंट अगर लो हो एनीमिया अगर हाई हो किससे 5.5 से तो हो जाता है पोलीसाइथेमिया मतलब जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बन रही ज्यादा बन रही ठीक है डब्ल्यू का काउंट अगर लो हो ये लो के लिए सिंबल है तो क्या हो जाता है कोई भी डिजीज जैसे कि आ, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है वीक हो जाता है मेन तो क्या होगी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी इंक्रीज हो तो क्या होगा ल्यूकेमिया ठीक है प्लेटलेट्स का काउंट क्या होगा अगर लो होगा तो हमें क्या हो जाता है मतलब जनरली लो किस में होता है डेंगू के केसेस में आपने सुना होगा कि डेंगू के केस में क्या है जो प्लेट्स का काउंट है वो क्या हो जाता है गिर जाता है तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है थ्रोम्बो साइटोपेनिया ये तो सिर्फ हमने डिजीज का नाम लिया था वैसे उसको क्या बोलेंगे लो काउंट हो तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और अगर ज्यादा हो जाए इंक्रीज हो ये है लो इंक्रीज हो तो इंक्रीज मतलब मोर देन 4.5 और ये लेस देन 1.5, ठीक है और ये लेस देन 4.5 है मोर देन 5.5 है तो सेम केस में तो 4.5 से अगर ज्यादा हो तो हम बोलेंगे ठीक है चलिए when there इज अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड द रेट ऑफ breathing अगर क्या हो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम हो तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं ठीक है नॉर्मल जो है हमारा रेस्पिरेशन रेट या ब्रीदिंग रेट कितना है सिक्सटीन टू एटीन पर मिनट तो उससे इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीजेस तभी क्या होता है आप जैसे भागते हो तो आप गहरी गहरी सांस लंबी लंबी सांस और जल्दी जल्दी लेते हो है ना ताकि क्या हो हम ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रख सके कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अफेक्ट्स मेनली अफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से क्या फर्क पड़ेगा इसे हम बोलते हैं क्या डेंजरस गैस ठीक है तो क्यों बोलते हैं क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी किसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है ज्यादा होती है किसके कंपेरिजमेंट टू हंड्रेड टाइम्स ऑफ ओटो ऑक्सीजन से 200 हंड्रेड टाइम्स है तो क्या होगा अब देखो ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो जो फ्यूल यानी फूड हमने लिया उसका ब्रेकडाउन होगा तो वो नहीं हो पाता उसकी वजह से क्या हो जाता है अब फिर हमारे जो टिश्यूज है वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है सो so, क्या होगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड मेन किसको अफेक्ट करेगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड

चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीमोग्लोबिन अब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड स्टेटमेंट क्या है हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर सो इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड बिल्कुल सही है हीमोग्लोबिन में क्या होता आयरन होता है आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस नहीं ये इसका मेन काम क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स सो so, इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है हमारा डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी में भी सबसे ज्यादा इट आर रेड कलर टू द ब्लड बिल्कुल सही है तो क्या होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पीपल विद एबी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो एबी ब्लड ग्रुप वाले हैं उनको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है ए बी एंटीजन होता है जिसमें से फिर हम जो भी ब्लड ग्रुप उसको देंगे उसके अगेंस्ट अपने आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे क्या होती है एबसेंट होती है ठीक है सो आरबीसी ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी हैज नो एंटीजन एंड सो एग्लूटिनेशन डज नोट अकर विद एनी अदर ब्लड ब्लड ग्रुप तो क्या होगा रीजन फॉल्स है क्योंकि क्या होता है एंटीबॉडीज एबसेंट होती है नो no एंटीबॉडीज

तो जो रिलेटिव उनको ब्लड डोनेट करने के लिए आए उनका क्या था वाइफ का ब्लड ग्रुप ओ है ब्रदर का ए बी है सन का ए है और डॉटर का ओ है ठीक है तो क्या हो सकता है जो ए ब्लड ग्रुप का पर्सन है वो किससे ले सकता है या तो ए से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है ठीक है तो इसमें ओ ए ओ तो क्या होगा वन थ्री फोर ए बी से नहीं ले सकता क्योंकि ए बी क्या है ए बी के अंदर दोनों टाइप के एंटीजन हैं तो एंटीबॉडीज अपने आप प्रोड्यूस हो जाएंगी तो वो क्या है यूनिवर्सल ड्रेसीपेंट है डोनर नहीं है क्लियर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड लंग्स टिश्यूज तीनों के थ्रू होता है लेकिन सबसे पहले कैसे है? हम पहले क्या करते हैं सांस लेते हैं तो वो एयर सबसे पहले कहा जाती है लंग्स में जो हमारे ट्रेकिया है एयर पाइप के थ्रू कहा जाती है लंग्स के अंदर एलव्यू होते हैं सबसे इनर पार्ट ठीक है और लंग से फिर कहा जाएगी लंग से फिर जाएगी ब्लड में और ब्लड से फिर कहा जाएगी टिश्यूज में तो क्या होगा टू वन थ्री सो ये होगा आपका टू वन थ्री एल एम इज अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स हम फिटक्री अप्लाई करते हैं कहीं पे घाव लग जाता है कट लग जाता है तो सो ब्लड इज कोलाइडल सिस्टम कंटेनिंग कोलाइडल पार्टिकल तो क्या है ब्लड एक कोलोइडल सिस्टम है जिसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं द एल्यूमिनियम आइन्स एलम और जो एल्यूमिनियम आयन किसमें होते हैं एलम के अंदर वो क्या करते है? उनके हैं उनके अंदर हाई कोगुलेटिंग पावर होती है ब्लड को कोगुलेट करने की तो बिल्कुल सही सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन तो क्या होगा दोनों करेक्ट है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एलम का फॉर्मूला क्या होता है एक्स ए एल टू 12H2O अब ये X क्या है ये होगा आपका पोटाशियम के केस में और अगर हम अमोनियम वाला एलम यूज करते हैं तो वो हो जाएगा आपका NH4AlSO4 2 बस ठीक है ये किसके केस में है जब एलम आपका अमोनियम आयन वाला है ठीक है तो जनरली हम कौन सा यूज करते हैं पोटाशियम एलम तो ये था ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सो so, हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू हैव ए नाइस गुड लक फॉर योर एक्सर